हे गाइस, व्हाट्सअप कैसे हैं आप। इससे पहले देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था ब्लॉगिंग स्टेप स्टेप, आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पर मिल जाता है ब्लॉगिंग स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन। एक्चुअली कस्टम डोमेन होता क्या है, मैंने पूरा डिटेल में यहाँ बताया किस तरह से आपका ब्लॉगर ब्लॉग मैंने गूगल का जो आप ब्लॉगिंग करने के लिए यूज करते हैं उसमें आप कस्टम डोमेन मैंने बाहर से खरीद के, चाहे गोडैडी चाहे होस्टगेटर से कहीं से भी खरीद के आप ऐड कर सकते हैं किस तरह से। उसमें होता क्या है कि जो ब्लॉगर ब्लॉग का सब डोमेन वगैरह जो लगा रहता है वो हट जाता है, आपका .com.in या .net.org आ जाता है, तो उसी को कहते हैं कस्टम डोमेन अपने ब्लॉगर ब्लॉग में ऐड करना है। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाइएगा तो वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आज का बात यह है कि किस तरह से आप अपना इस ब्लॉगर ब्लॉगिंग जो करते हैं आप ब्लॉगिंग का, उसमें आप HTTP के जगह में HTTPS, एक्चुअली HTTPS का मतलब हुआ जो सिक्योर है, ठीक है, इसको SSL सर्टिफिकेट बोला जाता है जो सिक्योर है। नहीं तो कोई भी खोलेगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा इनसिक्योरिटी दिखाएगा माने, और दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर ऐसा कुछ मैसेज देता है। तो आपको अपना HTTP के जगह में HTTPS कैसे लगाना इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले आप अपना ब्लॉगर ब्लॉग का डैशबोर्ड में चले जाइए। ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड देखिए ऊपर की तरफ देखिए HTTPS फॉर कस्टम डोमेन्स इज नाउ अवेलेबल ऑन योर ब्लॉग। इससे पहले नहीं था लेकिन अब ये कस्टम डोमेन ऐड करने का ऑप्शन आपको दे देता है, तो बोल रहा है यहाँ पर ट्राई करने, ठीक है। तो इसको ट्राई करने के लिए तो चलिए हम लोग फटाफट इसको किस तरह से लगाया जाता है हम लोग देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको आएगा, अगर इसको क्लिक करिएगा तो आप सेटिंग्स में ही जाइएगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सेटिंग्स में चलते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ही 31 पोस्ट हमारा किया हुआ है, अब हम चाह रहे हैं कि अगर कुछ गलती हो जाता है हमसे तो ये जितना भी हमारा है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम, पहला स्टेप है कि हम अपना जितना भी पोस्ट किए हैं उसका हम बैकअप ले लें। तो चलिए बैकअप लेने के लिए हमको सबसे पहले सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अदर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कंटेंट पेज पोस्ट एंड यहाँ पर हमको बैकअप लेना है, इसलिए हमको बैकअप में करना है सेव टू कंप्यूटर। चलिए ये नीचे की तरफ देखिए हमारा आ गया है, अब इसको हम दिखा देते हैं आपको। ये वाला जो चीज है ये हमारा बैकअप आ चुका है, अब हमारा काम है आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं पोस्ट में। ये वाला हमको HTTP के जगह में HTTPS का सेटिंग्स करना है, तो इसको ऊपर डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं या सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिलहाल www.operacyzone.com है, इससे पहले हमारा था www.operacyzone.blogspot.com। तो हमको यहाँ से HTTPS का अवेबिलिटी हमको लेना है, तो यहाँ से नो किया हुआ हम इसको सबसे पहले तो यस करेंगे, और यस करने के बाद हमको कुछ देर तक वेट करना है। तो चलिए ये यस तो कर दिए हैं लेकिन कुछ एरर मैसेज फिलहाल आएगा, ठीक है। यस कर दिए, वार्निंग यू आर यूजिंग G+, ठीक है। अब यहाँ से हम ये कर चुके हैं प्रोसेस चेक बैक लेटर, अब बोल रहा है कुछ देर के बाद आप यहाँ पे आके देखिए कि यहाँ पर ये HTTP रिडायरेक्ट ऑप्शन ये वाला फिलहाल अभी खुला नहीं है, इसको खुलना है। तो चलिए हम लोग कुछ देर के बाद वापस लौटते हैं और देखते हैं इसके बाद वाला प्रोसेस को। तो चलिए यहाँ पे देखिए अगर हम HTTPS में अगर इसको खोलते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देता है, इसका मतलब अभी हमारे प्रोसेसिंग में है। अब हमने टोटल 8 मिनट के बाद हम यहाँ आके हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये पेज रिफ्रेश हुआ। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे हम लोग आके यस किए थे अवेबिलिटी में, अब यहाँ पर ये वाला नहीं करने मैंने ऑप्शन नहीं दे रहा था, अब इसको हमको यहाँ से भी यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद हम इसको अपने आप सेव होता है, ये सेव करने के बाद अब क्या करना है देखिए, अब इम्पोर्टेंट काम थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे करना है। अब यहाँ से व्यू ब्लॉग में हम चलते हैं और ओपन करके देखते हैं
HTTPS यहाँ लगा है कि नहीं, चलिए ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर HTTPS लगा है और यहाँ पे आपको दिखता होगा सिक्योर का ऑप्शन, तो ये हमारे HTTPS में तो खुल गया। अब रह गया बात, अब जो HTTPS में हमारा खुला है, अब थोड़ा सा हम लोग थीम की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा थीम है, थीम की तरफ जाने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट HTML का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप एडिट HTML में क्लिक कीजिए, ये दो तो इम्पोर्टेंट काम है इसको करना है। यह आपका HTML CSS का कोड आ जाता है, बस बीच में कहीं भी आप खाली जगह में क्लिक करिए और अपना कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करिए। यहाँ पे लिखिए HTTP, बस सिर्फ HTTP लिखना है और इसको फाइंड करना है। HTTP लिखने के बाद आप फाइंड करिए, अब जहाँ जहाँ आपको HTTP मिलता होगा वहाँ वहाँ जाके आपको इसको कर देना है HTTPS। देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ एक मिल रहा है, तो यहाँ यहाँ जाके आपको HTTPS कर देना है, क्योंकि हमने HTTP से HTTPS किया है। ठीक है, चलिए फटाफट हम इसको कर लेते हैं और उसके बाद हम सेव करेंगे थीम को। यहाँ से जाके हमको सेव करना है, उसके बाद भी एक काम है, पूरा वीडियो देखें नहीं तो बाद में जाके आप फंस जाइएगा। तो देखिए यहाँ से आप HTTP को, जितना भी आपका पुराना था आपका HTTP में सब ब्लॉग पोस्ट हुआ था, अब HTTPS करना है जहाँ जहाँ पे आप HTTP था, बस यहाँ पर ही आपको एक बार करके जहाँ जहाँ देखिए वो सिलेक्ट कर रहा है वहाँ पर ही आपको HTTPS करना है। हमने सब चीज़ कर लिया, अब यहाँ पर ही हम सेव थीम में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ एरर्स आएगा, लेकिन घबराने का ज़रूरत नहीं, चाहिए XML एरर XML 2850, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 2850 में ये वाला यहाँ पे, चलिए इसको हम लोग सेव करके निकलते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका फ़िलहाल HTTPS में ये खुल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका 31 पोस्ट था। अब यहाँ से हमको और फाइनल काम क्या करना है, आपको फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे देखिए सर्च प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे देखिए गूगल सर्च कंसोल का भी ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर जस्ट एडिट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी है HTTP के साथ सर्च कंसोल में ये वाला था, अब हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी को ऐड करना है, वहाँ पर HTTPS लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम ऐड प्रॉपर्टी में क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको अपना वेबसाइट का एड्रेस लिखना है, माने ब्लॉग का एड्रेस। तो यहाँ पे अपना ब्लॉग साइट का URL यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद देखिए प्रॉपरली एडेड, प्लीज चेक द ईमेल फॉर मैसेज विथ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें एक ईमेल जाएगा, ईमेल को देखने के बाद वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं जैसे इससे पहले किए थे, ठीक है। तो बस एक छोटा सा वीडियो था HTTP को HTTPS में किस तरह से हम लोग बदलेंगे और क्या क्या मेन काम था उसको करना ज़रूरी है, नहीं तो रिडायरेक्ट नहीं हो पाएगा, सब HTTP और HTTPS मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बात बाकी यहाँ पर सर्च कंसोल से रिलेटेड जो ऑप्शन है आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप किए होंगे। इसके बाद और कुछ नहीं रह जाता है, बस यहाँ पर आपको दिखा देगा पेंडिंग है या क्या है, सब चीज़ आपको यहाँ पर ही दिखा देगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।